हे एवरीवन, आज है हमारे मुंबई टू राजस्थान ट्रिप का डे 7 और अभी हम जयपुर में हैं। और आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं खाटू श्याम मंदिर, जो कि हमारे होटल से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, 1.5-2 घंटे का। तो चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। दोस्तों, फाइनली हम खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल चुके हैं और ये हमारे होटल से 70 किलोमीटर दूर है। लगभग हमें 1.5 घंटा लगने वाला है और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो हम ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट स्पॉट ढूंढ रहे हैं रास्ते में ही कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो आपको सीधा मिलते हैं ब्रेकफास्ट स्पॉट पर। चलिए दोस्तों, हमें रास्ते में दिख गए हैं छोले कुलचे और हमने यहाँ की एक प्लेट ऑर्डर कर ली है। ये देखने में तो काफ़ी लजीज लग रहे थे और मैं सामने वाले हमने स्टॉल से एक नींबू पानी भी ले लिया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा पेट में अजीब सा लग रहा था यार, तो इसलिए दोनों लिया। और नींबू पानी बहुत टेस्टी था और छोले कुलचे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। चलिए अब चलते हैं सीधा खाटू श्याम मंदिर की तरफ। दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस 8 मिनट का रास्ता शो कर रहा है, लेकिन यहीं से पार्किंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी बसेस खड़ी हैं और आगे जाके काफ़ी सारी कार्स खड़ी हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि आगे ही पार्किंग हो सकती है, तो इसलिए हम आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको होटल्स 500 रुपीज़ से मिल जाएंगे एंड धर्मशाला आपको मिल जाएगी 200-300 रुपये में पर डे। तो आप यहाँ पे आके अपना प्लान कर सकते हैं डे। और अभी हम पार्किंग की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, चलिए आपको लेके चलते हैं। और सामने आप देख सकते हैं एक धर्मशाला और भी है, मात्र छाया धर्मशाला, जो कि आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं सीधा। दोस्तों, हमने अपनी कार पार्क कर दी है बालाजी पार्किंग में और अब हम पैदल निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस का ही रास्ता है मंदिर का और ये पार्किंग सबसे नियरेस्ट है, तो यहाँ पर आप लोग भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और यहाँ के चार्जेस थे 100 रुपीज़, वहाँ से रिक्शे भी मिल रहे थे, लेकिन जो 100 रुपीज़ ले रहे थे ले जाने के, तो फिर वो हमने नहीं किया, तो हम पैदल ही निकल लिए। और हम मंदिर जा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लाइंस बने हुए हैं, डिवाइड कर रखा है सेक्शन सेक्शन, ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। और आप ये मंदिर की सजावट भी देख सकते हैं, मंदिर में एंटर कर चुके हैं और आप दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। दोस्तों, हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं प्राचीन श्याम कुंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नारियल बंधे हुए हैं इनके दरवाजे पे और यहाँ पे लोग मन्नत मांगते, कहा जाता है कि यहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। हमने भी यहाँ पे अपनी मन्नत मांगी थी और आप ये देख सकते हैं, ये श्याम कुंड कहा जाता है कि इसका पानी बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, तो आप भी यहाँ पर आएँ तो स्नान करके जाइए। और ये आप यहाँ पे खाटू श्याम बाबा की कहानी पढ़ सकते हैं, जो पूरी डिटेल में बताई गई है। अब यहाँ पे हम दर्शन कर लेते हैं और आपको मिलते हैं हम सीधा यहाँ से निकलकर। दोस्तों, हम श्याम कुंड से निकल चुके हैं और खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे से हो गए, हमें लकीली बहुत भीड़ नहीं मिली, वरना अक्सर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों, आप अगर खाटू श्याम मंदिर आते हैं तो श्याम कुंड भी ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि कहा जाता है कि श्याम कुंड अगर विज़िट नहीं करते तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन अधूरे हैं। इसी के साथ अब हम जाएंगे बिरला मंदिर, और जो कि हमारे होटल के पास ही है, कल हम वहाँ के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो आज अब चलते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बिरला मंदिर के बाहर और आप ये फोर्ट देख सकते हैं, ये फोर्ट ओपन नहीं है, इसका नाम मैं मिस कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा आपको बताऊंगी। ये हम यहाँ पार्किंग के लिए देख रहे हैं फिलहाल, तो फिर ये यहाँ पे गेट है, यहाँ से फिर अंदर चलेंगे अपन। चलो देखते हैं, पार्किंग टिकट ले लिए, 20 रुपीज़ है सिर्फ, वही 30 मिनट्स पार्किंग। दोस्तों, आप देख सकते हैं पार्किंग की यहाँ पे एम्पल स्पेस है, तो आप अपनी कार भी लेके आ सकते हैं और बाइक व्हीकल जो भी आपको लाना है वो भी आप लेकर आ सकते हैं। और पार्किंग आपने देखी 20 रुपीज़ के चार्जेस हैं, जो कि हाफ एन आवर का है, तो अब चलते हैं इसी के साथ। दोस्तों, यहाँ पे पूरा गार्डन सा ही बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग अक्सर शाम के टाइम आते रहते हैं और यहाँ पे चप्पल रखने का प्रॉपर स्थान नहीं है, तो आप कहीं पे भी कॉर्नर में रख सकते हैं, तो कोई चोरी होने की संभावना नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फोर्ट है जहाँ से दिखाई देता है, अब ये फोर्ट बंद हो गया। यहाँ पे देखो मोर भी दिख रहा है हमको, और अब ये देख सकते हैं वाइट संगमरमर के पत्थर से बना हुआ ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे भोले बाबा जी की तस्वीर भी है, जो कि आप देख सकते हैं, यहीं से आप दर्शन भी कर सकते हैं। आइए अब सीधा हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे देखो हाथ पैर धोने की भी सुविधा बनाई हुई है, ताकि जो भी अपने चप्पल जूते उतार रहा है वो यहाँ से हाथ पैर धोकर ही अंदर प्रवेश करे। अब सीधा चलते हैं अंदर मंदिर के। दोस्तों, यह मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और यहाँ पे हम बहुत देर बैठे थे, हमें काफ़ी सुकून मिला
आप लोग जयपुर आते हैं तो यह मंदिर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जयपुर मेंस जयपुर सिटी से बहुत ही पास में और यहाँ आना बहुत ईजी है। अब यहाँ के शाम के नज़ारे देख सकते हैं, यह मंदिर शाम में और भी खूबसूरत लगता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, अब हम डिनर के लिए जा रहे हैं। मैंने आसपास लोकेशन में सर्च किया है कोई अच्छा रेस्टोरेंट, तो मुझे कोई रेस्टोरेंट मिला तो है, तो अब वहीं चल के हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों जा तो हम रेस्टोरेंट ही रहते हैं, लेकिन रास्ते में हमें कुछ स्टॉल्स मिल गए जहाँ पे भाई हम रुकी गए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी। यहाँ पे हमने लिए सबसे पहले समोसा छोले चाट और कचौड़ी चाट, और ये खाने में ओहो बहुत ही लजीज है यार, बहुत लजीज। इसे खा के हमें मज़ा आ गया, और ये सिर्फ 20 रुपीज़ प्लेट था जो कि बहुत ही अफोर्डेबल था। और इसी के साथ एक और स्टॉल था जहाँ पे फास्ट फूड करके था, और यहाँ पे मिल रहा था वड़ा पाव मिल रहा था और मोमोज मिल रहे थे एंड बर्गर। तो हम वड़ा पाव तो यार खा के ही आए थे, मुंबई से आए हैं क्योंकि आपको पता ही होगा। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किए 2 बर्गर और 1 प्लेट स्टीम वेज मोमोज। दोस्तों मुझे वेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद स्टॉल वाला बर्गर खा रही हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए क्योंकि इसका टेस्ट कुछ लाजवाब भी होता है, और बर्गर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और इतने में हमारे मोमोज भी आ गए, और मोमोज का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था। इसके बाद मैंने दोस्तों 1 प्लेट और रिपीट की थी और मुझे बहुत मज़ा आया। और दोस्तों अब हमारा पेट एकदम फुल भर चुका है, तो मुझे लगता है कि अब किसी रेस्टोरेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो हमने खाया बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टाटा।